यहाँ पे जो रोड का मंदिर है सिंह रोड का रोड वन है, तो ये भी अरे वो रोड अलग है ना, इसका काम अभी मैं अपनी बाहर जाऊंगा फिर अभी चालू करूंगा, मेरे को कल से काम चालू होना इसका। ठीक नहीं, कल से काम चालू होना, तुम्हारी माँ की कसम खा के बोलोगा कल से काम चालू। हम इंसान नहीं है क्या? हम इंसान नहीं है? नदी के उस पार में वो इंसान है, हम इंसान नहीं है क्या? उधर के भी सिटिंग इंजीनियर है ना तुम, उधर के भी तुम सिटिंग इंजीनियर है, इधर के भी है ना? कल फिर जोहर की नमाज के बाद यहाँ आ जाऊंगा, बाद में बहुत चीज उठूंगा नहीं, फिर मैं बात कर लेता इसे मक्तेदार, पहले बोल रहा है मक्तेदार को, हमारे सामने मक्तेदार को बोल लगा सुबह से काम चालू होने की हम ये जान रहे हैं भाई, मैं उनको बुला लेता और कोशिश तो करता रहेगी कि कल यहाँ से काम चालू। पहले बोल लगाओ, बोल लगाओ, ये सब मत बोलो भाई, बेटा समझ के रखे, गांव का आमदार निकम्मा है, वो तुमको कुछ नहीं बोल रहा, तो हमको बोलना पड़ रहा, अगर वो बोलते थे तो हम काम तुमको बोलते थे, बेटा मैंने काम करेगा पूरे गांव को वहां उठने, अरे हमारे नसीब ऐसे आमदार मिल जाते हमको। हमने धरना दे दो कल, मैं तुमको अंधे देखे वहाँ पे, अंधे देखा डालना डाला, अरे क्या ट्रॉफिक ट्रॉफिक, कहीं भी काम चालू कोई ट्रॉफिक होने लगा तुमको, अब क्या नीचे कर देने का सब, हमने क्या हमने कहा छोड़ के चलेगा तुमको, बोले भैया काम कर दो वो हमको बुलाना, ऐसा करते क्या नदी कुछ पर ऐसी करते तुम लोग, पाइप का काम भी करो कल के कल, कल के कल होना, और ये भी मत्ते लगा बल्ले बल्ले किसी भी लाए खड़े लाए खड़े घर बोला वहां से काम चालू कर, बोला आजाद नगर जटे पास से काम चालू कर, लोगों को तकलीफ है दुनिया भर की, वो बस्तियां तकलीफ होगी लोगों को जब रोड का काम चालू होगा, वो लोग उतनी लोग तकलीफ डालेंगे बस्तियां, तीन तीन फुट के छह निकले किसके पेड़ में घुसा, अरे नहीं असल में अपनी गलती है, अपन मुसलमान इधर रहते हैं, अपनी गलती है ये, इनका राज चलेगा ना अगर दादा भुसे घर मुफ्ती साहब का कारपोरेशन उधर लेके चल जाएंगे, भाई पे बात करो ना, बाकी रोड जाना बोल रहा हूँ देखी मिलो, अरे लाइन आउट बाकी अभी दे दो ना उसको, तुम कल सुबह के काम चालू कर लेना उसको, क्या नहीं फिर अरे देखी मिलो, बोलो उसको, छोड़ो एक मिनट रुको, बोलो बात करो उससे, सिटिंग इंजीनियर से बोलो उसको, सुन रहा हूँ बोलो, बोलना अभी लाइन आउट, बोल ले बोलना अभी लाइन आउट,
कल से काम चालू है, तुम्हारी माँ कसम खा के बोलो। नहीं तुम नहीं, तुम्हारी माँ कसम खा के बोलो काम चालू करने के लिए। को प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्यों? 500 करोड़ का टेंडर है वो भी, प्रॉब्लम क्यों? एक मशीन लेके घूम रहे पूरे गांव में। अबे एलो मत बनाओ कसम खुदा की, नहीं तो क्या अभी नदी के उत्पाद जैसी गड्ढे के क्या ना तो रातम रात बंद कर देते हो। काम करने नहीं, अपन ऐसी गंदगी में रहो, ऐसी गड्ढे में रहो, ऐसी गड्ढे का पानी रोड पे आओ, वैसे रहो तुम, उससे तुमको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। फोन नहीं उठा रहा हूँ, एड़ा बना रहा हूँ, उससे तुमको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। हम कितने भी गंदगी में रहे, हमारे बच्चे गंदगी में आए चलेगा, हमारे लोग मस्जिदों में गड्ढे का पानी पाओ दुबा के मस्जिद में आएगा तुमको चलेगा। अरे पैप नहीं, पैप नहीं। और कल से मैं पुलिस अधिकारी की टीम में बोल दे रहा, मैं कल इससे ज्यादा गर्दी लेकर आऊंगा, कल फिर मुझे बोलना नहीं, बिगर परमिशन के बैठी हुआ मैं आके कल यहाँ फिर मैं बता पूरे गाँव में घुमाऊंगा बेटा, इतना याद रखना, अगर नहीं चालू होगा तो तारीख में चालू करने का रहेगा। मैं बोल दे रहा चौरे साहब है, मैं फिर बोल रहा, अगर कल काम चालू नहीं हुआ मैं कल इससे ज्यादा गर्दी लेके पूरा रोड जाम कर दूंगा, मैं जाम कर दूंगा। मैं पहले समझा दे रहा, मैं सुनूंगा नहीं, ये आया नहीं, वो आया नहीं, माँ मर गई, बाप मर गया, खाना मर गया, सास मर गई, ससुर मर गया, सुनूंगा नहीं मैं। सुबह से रोड बंद करना है ना, मैं तो फिर बहुत पूरा करूंगा, बाद में बोलना नहीं, मैं एकदम समझा चला गवाते दादा, एकदम इज्जत से, हम भी इंसान है, टैक्स हम भी भरते, पूरा पूरा टैक्स भरते, 70% लोग टैक्स भरते हैं, 70% माने गाँव के लोग, नदी के एक पार्ट में 70% भरते टैक्स, और हमको तुम 10 रुपए की सुविधा नहीं दे रहे हमको, तुम लोग तुम्हारे उधर तो खड्डा नहीं मिलेगा, तुम्हारे उधर कभी एक भी झगड़ा पहुंच देता क्या रोड के बारे में, रोड खराब है, सुनेगा भैया आप लोग ने कभी अपना निकम्बा जो निकम्बा जो इतना धरने देना पड़ रहा हमको, अब तुम्हारा निकम्बा करने का अधिकारी लोग है, कल से काम चालू कर देना, दोनों को बोल देना इतना याद रखना बेटा, मुंह काला करो बेटा, धजा पे घुमा को तुम दोनों जाएंगे। और मैं भी इंशाल्लाह कल राउंड मारूंगा, और यहाँ के रहवासी लोगों से, यहाँ के जितने भी दुकानदार हैं, होटल वाले हैं, रिक्शा वाले, अगर आपको इस रोड का कल से काम अगर चालू नहीं हुआ तो मेरे को फोन करो, इंशाल्लाह कल जोहर की नमाज के बाद मैं आऊंगा, और इससे ज्यादा गर्दी लेके इंशाल्लाह अपन यहाँ पे वापस धरना देंगे, और इस रोड का काम आप चालू करा के ही उठेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे जितने भी लोग आए थे धरने के अंदर, जितने भी लोग धरने में आए थे, मैं सबके शुक्रिया के साथ सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, राशिद साहब की जानी से, मेरी जानी से आपका सबका शुक्रिया, और धरना खत्म होने का मैं ऐलान करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।